गई कैंसिल। हनुमान जन्मोत्सव पर समारोह की परमिशन कैंसिल कर दी गई है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद परमिशन कैंसिल कर दी गई है। सांप्रदायिकता और अशांति फैलाने की आशंका, सिर्फ एक जगह की परमिशन की गई है कैंसिल। छोला दशहरा मैदान से निकलना था चल समारोह, खेमापति हनुमान मंदिर से निकलना था चल समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चल समारोह को लेकर जो अनुमति दी गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद परमिशन कैंसिल कर दी गई है। हनुमान जन्मोत्सव पर चल समारोह की परमिशन को कैंसिल किया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद इस परमिशन को कैंसिल किया है। सांप्रदायिकता और अशांति फैलाने की आशंका के चलते फैसला लिया गया है। सिर्फ एक जगह की परमिशन को कैंसिल किया गया है, वह है छोला दशहरा मैदान, जहां से चल समारोह निकलना था। खेलापति हनुमान मंदिर से निकलना था चल समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही है। चल समारोह को लेकर जो परमिशन दी गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। हनुमान जन्मोत्सव पर चल समारोह की परमिशन कैंसिल की गई। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद परमिशन कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। सांप्रदायिकता और अशांति फैलाने की आशंका के चलते यह निर्णय लिया गया है। सिर्फ एक जगह की परमिशन को कैंसिल किया गया है। छोला दशहरा मैदान से निकलना था चल समारोह। और बात करेंगे, प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। प्रशांत, बड़ी खबर, जन्मोत्सव हनुमान जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि चल समारोह निकालने के लेकर परमिशन पहले दे दी गई थी। छोला क्षेत्र को लेकर बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इंटेलिजेंस कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो है परमिशन कैंसिल करने की बात निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ है पूरा मामला? के बाद में हनुमान जन्म की परमिशन को कैंसिल कर दी है, लेकिन ये एक ही परमिशन है आज दी गई है। तो हनुमान मंदिर, केड़ापति मंदिर, छोला मंदिर में जो चल समारोह करने वाला था उसको कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया है। उसको कैंसिल करने का कारण ये है क्योंकि कुछ जगह से जो जुलूस है वो पूर्व स्थिति वाले इलाके से निकलेगा और ऐसे में कई जगहों पर अति संपीड़न को लेकर जो है कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठे की मुआयना था, लेकिन उसके बाद में ये बात सामने निकल कर आई की अधिकतर संवेदनशील ज्यादा है, ऐसे में उनके जुलूस है वो नहीं निकाला। जिसके बाद में आयोजन जो मुकेश और हर साल यहाँ जुलूस निकालते हैं, जो समारोह निकालते हैं, उनको पुलिस ने एक आवेदन दिया है और ये कहा है कि कृपया अगर जुलूस निकलता था, ये भी जुलूस बड़ी संख्या में निकलता था, उसको ना निकाला जाए, क्योंकि जिस जिस मार्ग से जुलूस निकलेगा वहाँ सांप्रदायिकता संवेदनशीलता से जो क्षेत्र है उसमें अशांति फैलेगी, कहीं ना कहीं आशंका है पुलिस को। ऐसे में जौनपुर के डीसीपी है, उनने साफ कर दिया है की इस जगह से जो जुलूस है अब वो नहीं निकालता, मतलब की जिस जगह उसकी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन भोपाल तक मुख्य जुलूस है इस बलैया क्षेत्र से निकलता है, तो वो जुलूस शाम 4 बजे के लगभग बलैया से तमाम स्टार्ट हो जाए। जी जी बिल्कुल, छोला क्षेत्र में जो जन समारोह निकलने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया। परमिशन हालांकि पहले दे दी गई थी प्रशांत, लेकिन जो पुराने भोपाल को लेकर रेकर क्षेत्र है, बुधवारा इतवारा मंगलवार यहां पर भी भव्य आयोजन करने की तैयारी की गई है और इसको लेकर भी पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो इस जन समारोह को लेकर भी कोई बदलाव किया गया या जो तय समय पर ही निकाला जाएगा? चल समारोह को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। चल समारोह लेकर जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि जो शहरकाजी हैं वो भी पहुंचे हुए थे पुलिस के पास में, उन्होंने गृह मंत्री से और जो डीजीपी है उनसे मुलाकात की थी और यही कहा था कि जो चल समारोह है उसको इस जगह से ना निकाला जाए। इस जगह में भी कई ऐसे संवेदनशील इलाके आते हैं, सेंसिटिव इलाके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने बाद में इस जगह पर परमिशन दे दी है। जो आयोजनकर्ता है उनसे लगातार पुलिस की बात होती जा रही है, तमाम लोगों के बाउंड ओवर कराए गए हैं और जिस तरीके से विवादित पोस्ट करते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की जा रही है। बात यदि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो तकरीबन 1000 से 1500 तो पुलिस का बल तक मौजूद रहेगा। इसके बाद में रिजर्व फोर्सेज हैं वो मौजूद रहेंगी, चल समारोह के आगे पुलिस चलेगी, पीछे रिजर्व फोर्सेज चलेगी और जिस जगह से चल समारोह चलता रहेगा और जगह पर कई हाई राइज बिल्डिंग है, तो ऐसे में उन बिल्डिंगों पर ड्रोन के माध्यम से लगातार सर्चिंग की जा रही है और साफ तौर से ये पुलिस ने साफ कर दिया था कि बीच स्तर पर लेकर सीपी स्तर के अधिकारी जो है कि सीधा लोगों से संवाद कर रहे हैं। देर रात तक जो पुलिस के अधिकारी हैं दोनों समुदाय के लोगों से उन्होंने बात की है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो मुख्य जुलूस है उसकी परमिशन कैंसिल नहीं हुई है। वो तकरीबन शाम 4 बजे चलना स्टार्ट हो जाएगा, जो
सात बजे के समथिंग जिसका समापन सिंधी 24 तक जो माता रानी का मंदिर है वहाँ पर किया जाएगा। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा अपडेट्स के लिए मैं एक बार फिर आपसे संपर्क करेंगे, प्रशांत बने रहिए। खबर रही है क्षेत्र में जो जल समारोह, नीचे इंटेलिजेंस इनपुट मिले जिसके आधार पर यहां दी गई परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। सांप्रदायिकता और अशांति फैलाने की कहीं ना कहीं आशंका बन गई थी इस इनपुट के बाद, और उसके बाद पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने इस बात को लेकर बड़ा फैसला लिया है कि जो अनुमति दी गई थी उसको कैंसिल किया जाए। सिर्फ एक जगह परमिशन कैंसिल की गई है और वह है छोला दशहरा मैदान। यहां से एक बड़ा और भव्य चल समारोह निकाला जाना था, खेड़ापति हनुमान मंदिर से इस चल समारोह को निकाला जाना था, जिसको लेकर परमिशन अब जो दी गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। लेंगे की खबर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर